खाए गाली और अधिकारी खाए मलाई। चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं भी सभी भाइयों की तरह आपको पुनः चेयरमैन बनने पे बधाई देता हूँ। भाई पवार जी को चेयरमैन बनने पे बधाई देता हूँ। मेरा चूंकि सबसे लास्ट से दूसरा नंबर है, भाई भी बैठे हैं उसको, और मैं नॉमिनेटेड हूँ, इसलिए मैं किसी वार्ड की बात भी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो काम एमसीडी को करना चाहिए हम लोग वहां फेलियर हो जाते हैं, और जहां नहीं करना चाहिए वहां ये लोगों की भीड़ अभी बताई देगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि अनऑथराइज पार्किंग का मैटर है, अनऑथराइज पार्किंग के मैटर में मैं दो बार डीसी साहब आपको यही वार्ड की मीटिंग में ही दो बार सचेत कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, प्रार्थना कर चुका हूँ कि मेरे अपने एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक अशोक नगर है, उसकी मेन जो आपकी लिंक रोड है उस पर इतनी अवैध पार्किंग है, बल्ली फट्टे की दुकानें चल रही हैं, शोरूम्स चल रहे हैं, आप लोग उन पर कोई एक्शन नहीं दे रही हूँ, सारी गाड़ियाँ बाहर होती है, पूरा रोड अवरुद्ध होता है। और हम सब मिलके कुछ अच्छा कर जाए इन 5 साल में, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, और समय के अलावा भी कभी किसी को बैठना चाहता है तो बैठ सकते हैं। ये विषय इसलिए रखा जाता है कि एक समय सीमा के अंदर हम काम को निपटा रहे हैं। होगा क्या, मुझे आपके विषय से आपत्ति नहीं है, 5 बज गए, 5:30, 5:15 तक इसे खत्म होगा, अधिकारी भी कोशिश करेंगे और हम खुद करेंगे, आधे लोग पार्षद हमारे भी चले गए, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं किसी को आरोपित नहीं करना चाहता, और समस्या का रखना महत्वपूर्ण नहीं है, हम 10 का रखते हैं, 2 रखते हैं, उसका इलाज करा सर, हल होना बहुत जरूरी है, ये मैं सचेत कर रहा हूं। मैं किसी को तो सर नहीं, जल्दी से करें, आपके साथ करें, मैं तो मात्र 2 मिनट लेता हूं। हमारे यहां जो मेन रविदास मंदिर रोड है, हमारे कॉलोनी इस वो का उनका, मैं 3 बार यहां पर बोल चुका हूं कि वहां पर अनऑथराइज पार्किंग चल रही है, लेकिन आज तक उसका कोई इलाज नहीं। स्पेशल ड्राइव हो, वैसी ड्राइव हो, ट्रैफिक ड्राइव हो, एमसी ड्राइव हो, किसी का कोई हल निवार नहीं करता। मेरी स्पेशल गुजारिश है कि वहां से उसको क्लियर कराया जाए। मेरे साथ मिलिए सर, मैं मिलूंगा। एक शौचालय घर हमारे इसी मंदिर पर जो हजारों जनसंख्या अंदर है वो बनना था, लेकिन मैं नजरुल जी से अभी बात करी है, वो भी न जाने किन कारण से रुक गया है, जिसकी की बहुत आवश्यकता है उस क्षेत्र के लिए। तीसरा, जो अभी भाई पुनीत जी ने बता दिया कि जो 20-25 गज के जो मकान है, कृपया करके उन पर जो सीलिंग का मुद्दा है इसको तो खत्म करो, गरीब आदमी में बदबू मिलेगी, क्षेत्र में हमें जूते पड़ेंगे और आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, धन्यवाद।